हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टमी। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का पराठा। लौकी का पराठा बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। इसे घर में जो इंग्रेडिएंट्स है उसी से बनाया जा सकता है, आपको कुछ बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, इसके साथ कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की। रेसिपी को लगने वाला मसाला पहले बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 20 से 25 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्चियाँ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अब इन सब को मैं मिक्सर के जार में बिना पानी डाले पीस लूँगी। पानी नहीं डालना है दोस्तों, पानी बिना डाले ही पीसना है। अगर ददरा पीसता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा पीस कर तैयार है। तो अब मैं तैयारी करती हूँ आटा गूंदने की। आटा गूंदने के लिए मैं 1 कप घिसा हुआ लौकी ले लूँगी, उसमें 2 कप गेहूं का आटा डाल लूँगी, उसी में 1/2 कप बेसन डाल लूँगी। और पता है दोस्तों, ये जो पराठा है ना, इसे और हेल्दी बनाया जा सकता है। बहुत आसान है इसको और हेल्दी बनाना हो ना। और तो फिर इसके लिए क्या करना है पता है, ओट्स, कोई और आटा, जैसे हेल्दी आटा जो आपके घर में पड़ा हो, जैसे ज्वार का आटा या फिर ओट्स का आटा, ओट्स पड़े हों तो फिर वो इसमें डाल लीजिए। बस इतना याद रखिए कि गेहूं के आटे का जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ा ज़्यादा रखना है बाकी आटियों से। अब इसमें मैं डाल लूँगी 1/2 कप धनिया। धनिया बहुत डालिएगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है धनिया डालते हैं तो। फिर मैंने पीस के रखा हुआ मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब इसके बाद मैं आटा गूंदना शुरू करूँगी। तो आटा गूंदते समय फिर से हमें ख्याल रखना है कि पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले हमें आटा गूंदना है। लौकी जो है ना, जैसे जैसे आप मसलेंगे आटा, तो वैसे वैसे लौकी पानी छोड़ते जाएगा और आपका आटा एकदम सॉफ्ट डो, अच्छा डो फॉर्म कर लेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका आटा थोड़ा चिपचिपा हो गया है ना, तो फिर थोड़ा सा गेहूँ का आटा आप वापस यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरा भी डो बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट डो बना है। तो डो बनते ही हमें बेलना शुरू करना है। डो बनने के बाद आप रुके ना, नहीं तो ना लौकी और पानी छोड़ने लगती है और फिर आटा चिपचिपा हो जाता है, बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेलने के लिए मैं अपनी जो रोटियां बनाती हूँ उसी साइज़ की लोइयां बना लूँगी और उसको बेलना शुरू कर दूँगी। देखिए मैंने रोटी के साइज़ की लोई बना ली है और उसे एकदम हल्के हाथों से धीरे धीरे बेल लूँगी। बेल कर एक अच्छा सा गोल सा आकार दे दूंगी और उसको फिर सेक लूँगी। और सेकने के लिए हमें क्या करना है, तवा पहले ही गैस पे रख देना है, उसे थोड़ा गर्म होने देना है। थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसको सेकना शुरू करेंगे। सेकते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, ना हाई रखेंगे ना लो रखेंगे। अगर हाई रखते हैं तो फिर लौकी कच्ची रह जाती है, अगर लो रखते हैं तो फिर पराठा जो है वो बहुत ही कड़क हो जाता है, चबाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। तो चलिए मैं रोस्ट कर रही हूँ अपना पराठा, दोनों तरफ से सेक लूँगी अच्छे से मीडियम फ्लेम में। सेकते समय दोनों ही तरफ पराठे को अच्छे से तेल लगा लीजिए। तेल लगाने के बाद उसे थोड़ी देर सेकने दीजिए। थोड़ा सा जो ऐसे डॉट डॉट बूंदे बूंदे जैसा आने लगता है, तब तक हमें दोनों तरफ से सेकना है। तो देखिए दोस्तों मेरा पराठा बनकर तैयार है। अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।